मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज वो दिन आ ही गया जिसका हम सभी फरवरी से इंतजार कर रहे थे। मैं मन की बात के माध्यम से एक बार फिर आपके बीच, अपने परिवारजनों के बीच आया हूं। एक बड़ी प्यारी सी उक्ति है, इति विदा पुनर्मिलनाय। इसका अर्थ भी उतना ही प्यारा है। मैं विदा लेता हूं फिर मिलने के लिए। इसी भाव से मैंने फरवरी में आपसे कहा था कि चुनाव नतीजों के बाद फिर मिलूंगा, और आज मन की बात के साथ मैं आपके बीच फिर हाजिर हूं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, घर में सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा, और अब तो मानसून भी आ गया है। और जब मानसून आता है तो मन भी आनंदित हो जाता है। आज से फिर एक बार हम मन की बात में ऐसे देशवासियों की चर्चा करेंगे जो अपने कामों से समाज में, देश में बदलाव ला रहे हैं। हम चर्चा करेंगे हमारी समृद्ध संस्कृति की, गौरवशाली इतिहास की और विकसित भारत के प्रयास की। साथियों, फरवरी से लेकर अब तक जब भी महीने का आखिरी रविवार आने को होता था, तब मुझे आपसे इस संवाद की बहुत कमी महसूस होती थी। लेकिन मुझे ये देखकर बहुत अच्छा भी लगा कि इन महीनों में आप लोगों ने मुझे लाखों संदेश भेजे। मन की बात रेडियो प्रोग्राम भले ही कुछ महीने बंद रहा हो, लेकिन मन की बात का जो स्पिरिट है देश में, समाज में, हर दिन अच्छे काम, निस्वार्थ भावना से किए गए काम, समाज पर पॉजिटिव असर डालने वाले काम निरंतर चलते रहे। चुनाव की खबरों के बीच निश्चित रूप से मन को छू जाने वाली ऐसी खबरों पर आपका ध्यान गया होगा। साथियों, मैं आज देशवासियों को धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने हमारे संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अपना अटूट विश्वास दोहराया है। 24 का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। दुनिया के किसी भी देश में इतना बड़ा चुनाव कभी नहीं हुआ जिसमें 65 करोड़ लोगों ने वोट डाले हैं। मैं चुनाव आयोग और मतदान की प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति को इसके लिए बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 30 जून का यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन को हमारे आदिवासी भाई बहन हुल दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन वीर सिद्धो कानू के अदम्य साहस से जुड़ा है, जिन्होंने विदेशी शासकों के अत्याचार का पुरजोर विरोध किया था। वीर सिद्धो कानू ने हजारों संथाली साथियों को एकजुट करके अंग्रेजों का जी जान से मुकाबला किया। और जानते हैं ये कब हुआ था? यह हुआ था 1855 में, यानी ये 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से भी 2 साल पहले हुआ था। तब झारखंड के संथाल परगना में हमारे आदिवासी भाई बहनों ने विदेशी शासकों के खिलाफ हथियार उठा लिया था। हमारे संथाली भाई बहनों पर अंग्रेजों ने बहुत सारे अत्याचार किए थे, उन पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए थे। इस संघर्ष में अद्भुत वीरता दिखाते हुए वीर सिद्धो और कानू शहीद हो गए। झारखंड की भूमि के इन अमर सपूतों का बलिदान आज भी देशवासियों को प्रेरित करता है। आइए
सुनते हैं संथाली भाषा में इन्हें समर्पित एक गीत का अंश। सीधा कानो बोल बुहा मनावे 29 जून जहां दिसमरिया मरंग हुंदो सांताल हुलका सांताल हुंदो आंदोड़ लेना इंग्रे कानून भंगोड़ लेना जुमी बंजाओ एसपीटी एक लगोई ना जांगारे पाए गान साड़ी कने जाम जा खुलको होले बुहा होले होले। मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता कौन सा होता है तो आप जरूर कहेंगे मां। हम सबके जीवन में मां का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। मां हर दुख सहकर भी अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। हर मां अपने बच्चे पर हर स्नेह लुटाती है। जन्मदात्री मां का ये प्यार हम सब पर एक कर्ज की तरह होता है जिसे कोई चुका नहीं सकता। मैं सोच रहा था हम मां को कुछ दे तो सकते नहीं, लेकिन और कुछ कर सकते हैं क्या? इसी सोच में से इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि मां की स्मृति में या उनके सम्मान में पेड़ लगाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोग अपनी मां के साथ या फिर उनकी फोटो के साथ पेड़ लगाने की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। हर कोई अपनी मां के लिए पेड़ लगा रहा है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो कामकाजी महिला हो या गृहिणी। इस अभियान ने सबको मां के प्रति अपना स्नेह जताने का समान अवसर दिया है। वो अपनी तस्वीरों को #plantformother और #ekpedmaankenaam इसके साथ साझा करके दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं। साथियों, इस अभियान का एक और लाभ होगा, धरती भी मां के समान हमारा ख्याल रखती है। धरती मां ही हम सबके जीवन का आधार है, इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम धरती मां का भी ख्याल रखें। मां के नाम पैड लगाने के अभियान से अपनी मां का सम्मान तो होगा ही होगा, धरती मां की भी रक्षा होगी। पिछले एक दशक में भारत में सबके प्रयास से वन क्षेत्र का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। अमृत महोत्सव के दौरान देश भर में 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर भी बनाए गए हैं। अब हमें ऐसे ही मां के नाम पर पैड लगाने के अभियान को गति देनी है। मेरे प्यारे देशवासियों, देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून तेजी से अपना रंग बिखेर रहा है और बारिश के इस मौसम में सबके घर में जिस चीज की खोज शुरू हो गई है वो है छाता। मन की बात में आज मैं आपको एक खास तरह के छातों के बारे में बताना चाहता हूं। ये छाते तैयार होते हैं हमारे केरला में। वैसे तो केरला की संस्कृति में
छातों का विशेष महत्व है। छाते वहां कई परंपराओं और विधि विधान का अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन मैं जिस छाते की बात कर रहा हूं वो है कार्थुम्बी छाते, और इन्हें तैयार किया जाता है केरला के अट्टापड़ी में। ये रंग बिरंगे छाते बहुत शानदार होते हैं, और खासियत ये कि इन छातों को केरला की हमारी आदिवासी बहनें तैयार करती हैं। आज देश भर में इन छातों की मांग बढ़ रही है, इनकी ऑनलाइन बिक्री भी हो रही है। इन छातों को वट्टालक्की सहकारी कृषि सोसाइटी की देखरेख में बनाया जाता है। इस सोसाइटी का नेतृत्व हमारी नारी शक्ति के पास है। महिलाओं के नेतृत्व में अट्टापड़ी के आदिवासी समुदाय ने एंटरप्रेन्योरशिप की अद्भुत मिसाल पेश की है। इस सोसाइटी ने एक बैम्बू हैंडीक्राफ्ट यूनिट की भी स्थापना की है। अब ये लोग एक रिटेल आउटलेट और एक पारंपरिक कैफे खोलने की भी तैयारी में है। इनका मकसद सिर्फ अपने छाते और अन्य उत्पाद बेचना ही नहीं है, बल्कि ये अपनी परंपरा अपनी संस्कृति से भी दुनिया को परिचित करा रहे हैं। आज कार्थुम्बी छाते केरला के छोटे से गांव से लेकर मल्टीनेशनल कंपनियों तक का सफर पूरा कर रहे हैं। लोकल के लिए वोकल होने का इससे बेहतरीन उदाहरण और क्या होगा? मेरे प्यारे देशवासियों, अगले महीने इस समय तक पेरिस ओलंपिक शुरू हो चुके होंगे। मुझे विश्वास है कि आप सब भी ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का इंतजार कर रहे होंगे। मैं भारतीय दल को ओलंपिक खेलों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सबके मन में टोक्यो ओलंपिक की यादें अब भी ताजा हैं। टोक्यो में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने हर भारतीय का दिल जीत लिया था। टोक्यो ओलंपिक के बाद से ही हमारे एथलीट्स पेरिस ओलंपिक की तैयारियों में जी जान से जुटे हुए थे। सभी खिलाड़ियों को मिला दे तो इन सब ने करीब 900 इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लिया है। ये काफी बड़ी संख्या है। साथियों, पेरिस ओलंपिक में आपको कुछ चीजें पहली बार देखने को मिलेगी। शूटिंग में हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा निखर कर सामने आ रही है। टेबल टेनिस में मैन और विमेन दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। भारतीय शॉटगन टीम में हमारी शूटर बेटियां भी शामिल है। इस बार कुश्ती और घुड़सवारी में हमारे दल के खिलाड़ी उन कैटेगरीज में भी कम्पीट करेंगे जिनमें पहले वे कभी शामिल नहीं रहे। इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार हमें खेलों में अलग लेवल का रोमांच नजर आएगा। आपको ध्यान होगा, कुछ महीने पहले वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। वहीं चेस और बैडमिंटन में भी हमारे खिलाड़ियों ने परचम लहराया है। अब पूरा देश ये उम्मीद कर रहा है कि हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स में भी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, इन खेलों में मेडल्स भी जीतेंगे और देशवासियों का दिल भी जीतेंगे। आने वाले दिनों में मुझे भारतीय दल से मुलाकात का अवसर भी मिलने वाला है। मैं आपकी तरफ से उनका उत्साहवर्धन करूंगा। और हां, इस बार हमारा हैशटैग चीयर फॉर भारत है। इस हैशटैग के जरिए हमें अपने खिलाड़ियों को
चीयर करना है, उनका उत्साह बढ़ाते रहना है। तो मोमेंटम को बनाए रखिए, आपका ये मोमेंटम भारत का मैजिक दुनिया को दिखाने में मदद करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी ऑडियो क्लिप प्ले कर रहा हूं। रेडियो क्वेट एफएम 93.3 से हिंदी शो नमस्ते क्वेट। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करेंगे क्वेत भारत संबंध के बारे में, क्वेत भारत संस्कृति के बारे में और उस रिश्ते के बारे में जो दोनों देशों को अलग अलग क्षेत्रों में जोड़ता है। इस रेडियो कार्यक्रम को सुनकर आप भी हैरत में पड़ गए ना, तो आइए आपको इसके पीछे की पूरी बात बताते हैं। दरअसल ये कुवैत रेडियो के एक प्रसारण की क्लिप है। अब आप सोचेंगे कि बात हो रही है कुवैत की, तो वहां हिंदी कहां से आ गई? दरअसल कुवैत सरकार ने अपने नेशनल रेडियो पर एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है और वो भी हिंदी में। कुवैत रेडियो पर हर रविवार को इसका प्रसारण आधे घंटे के लिए किया जाता है। इसमें भारतीय संस्कृति के अलग अलग रंग शामिल होते हैं, हमारी फिल्में और कला जगत से जुड़ी चर्चाएं वहां भारतीय समुदाय के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। मुझे तो यहां तक बताया गया है कि कुवैत के स्थानीय लोग भी इसमें खूब दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं कुवैत की सरकार और वहां के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये शानदार पहल की है। साथियों, आज दुनिया भर में हमारी संस्कृति का जिस तरह गौरवगान हो रहा है, उससे किस भारतीय को खुशी नहीं होगी? अब जैसे तुर्कमेनिस्तान में इस साल मई में वहां के राष्ट्रीय कवि की 300वीं जन्म जयंती मनाई गई। इस अवसर पर तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने दुनिया के 24 प्रसिद्ध कवियों की प्रतिमाओं का अनावरण किया। इनमें से एक प्रतिमा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की भी है। ये गुरुदेव का सम्मान है, भारत का सम्मान है। इसी तरह जून के महीने में दो कैरेबियाई देश सुरीनाम और सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडिस ने अपने इंडियन हेरिटेज को पूरे जोश और उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया। सुरीनाम में हिंदुस्तानी समुदाय हर साल 5 जून को इंडियन अराइवल डे और प्रवासी दिन के रूप में मनाता है। यहां तो हिंदी के साथ ही भोजपुरी भी खूब बोली जाती है। सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडिस में रहने वाले हमारे भारतीय मूल के भाई बहनों की संख्या भी करीब 6,000 है। उन सबको अपनी विरासत पर बहुत गर्व है। 1 जून को इन सब ने इंडियन अराइवल डे को जिस धूमधाम से मनाया, उससे उनकी ये भावना साफ झलकती है। दुनिया भर में भारतीय विरासत और संस्कृति का जब ऐसा विस्तार दिखता है, तो हर भारतीय को गर्व होता है। साथियों, इस महीने पूरी दुनिया ने 10वें योग दिवस को भरपूर उत्साह और उमंग के साथ मनाया है। मैं भी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल हुआ था। कश्मीर में युवाओं के साथ साथ बहनों बेटियों ने भी योग दिवस में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया।
जैसे जैसे योग दिवस का आयोजन आगे बढ़ रहा है, नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। दुनिया भर में योग दिवस ने कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है। सऊदी अरब में पहली बार एक महिला अल हनौफ साद जी ने कॉमन योगा प्रोटोकॉल को लीड किया। ये पहली बार है जब किसी सऊदी महिला ने किसी मेन योगा सेशन को इंस्ट्रक्ट किया हो। इजिप्ट में इस बार योग दिवस पर एक फोटो कंपटीशन का आयोजन किया गया। नील नदी के किनारे, रेड सी के बीचेज पर और पिरामिडों के सामने योग करते लाखों लोगों की तस्वीरें बहुत लोकप्रिय हुई। अपने मार्बल बुद्धा स्टैचू के लिए प्रसिद्ध म्यांमार का मारा विजरा पैगोडा कॉम्प्लेक्स दुनिया में मशहूर है। यहां भी 21 जून को शानदार योगा सेशन का आयोजन हुआ। बहरीन में दिव्यांग बच्चों के लिए एक स्पेशल कैंप का आयोजन किया गया। श्रीलंका में यूनेस्को हेरिटेज साइट के लिए मशहूर गॉल्फ फोर्ट में एक यादगार योगा सेशन हुआ। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ऑब्जर्वेशन डेक पर भी लोगों ने योग किया। मार्शल आइलैंड पर भी पहली बार बड़े स्तर पर हुए योग के कार्यक्रम में यहां के राष्ट्रपति जी ने भी हिस्सा लिया। भूटान के थिम्पू में भी एक बड़ा योग दिवस का कार्यक्रम हुआ, जिसमें मेरे मित्र प्रधानमंत्री टोबगे भी शामिल हुए। यानी दुनिया के कोने कोने में योग करते लोगों के विहंगम दृश्य हम सब ने देखे। मैं योग दिवस में हिस्सा लेने वाले सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरा आपसे एक पुराना आग्रह भी रहा है, हमें योग को केवल एक दिन का अभ्यास नहीं बनाना है। आप नियमित रूप से योग करें, इससे आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलावों को जरूर महसूस करेंगे। साथियों, भारत के कितने ही प्रोडक्ट्स हैं जिनकी दुनिया भर में बहुत डिमांड है, और जब हम भारत के किसी लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल होते देखते हैं तो गर्व से भर जाना स्वाभाविक है। ऐसा ही एक प्रोडक्ट है अराकू कॉफी। अराकू कॉफी आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में बड़ी मात्रा में पैदा होती है। ये अपने रिच फ्लेवर और अरोमा के लिए जानी जाती है। अराकू कॉफी की खेती से करीब 1.5 लाख आदिवासी परिवार जुड़े हुए हैं। अराकू कॉफी को नई ऊंचाई देने में गिरिजन कोऑपरेटिव की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसने यहां के किसान भाई बहनों को एक साथ लाने का काम किया और उन्हें अराकू कॉफी की खेती के लिए प्रोत्साहन दिया। इससे इन किसानों की कमाई भी बहुत बढ़ गई है। इसका बहुत लाभ कोंडा डोरा आदिवासी समुदाय को भी मिला है। कमाई के साथ साथ उन्हें सम्मान का जीवन भी मिल रहा है। मुझे याद है एक बार विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू गारू के साथ मुझे इस कॉफी का स्वाद लेने का मौका मिला था। इसके टेस्ट की तो पूछे ही मत, कमाल की होती है ये कॉफी। अराकू कॉफी को कई ग्लोबल अवार्ड्स मिले हैं। दिल्ली में हुई G20 समिट में भी कॉफी छाई हुई थी। आपको जब भी अवसर मिले आप भी अराकू कॉफी का आनंद जरूर लें। साथियों, लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने में हमारे जम्मू कश्मीर के लोग भी पीछे नहीं हैं। पिछले महीने जम्मू कश्मीर ने जो कर दिखाया है वो देश भर के लोगों के लिए भी एक मिसाल है। यहाँ के पुलवामा से
स्नो पीज की पहली खेप लंदन भेजी गई। कुछ लोगों को ये आइडिया सूझा कि कश्मीर में उगने वाली एक्जोटिक वेजिटेबल्स को क्यों न दुनिया के नक्शे पर लाया जाए। बस फिर क्या था, चकुरा गांव के अब्दुल राशिद मीर जी इसके लिए सबसे पहले आगे आए। उन्होंने गांव के अन्य किसानों की जमीन को एक साथ मिलाकर स्नो पीज उगाने का काम शुरू किया और देखते ही देखते स्नो पीज कश्मीर से लंदन तक पहुंचने लगी। इस सफलता ने जम्मू कश्मीर के लोगों की समृद्धि के लिए नए द्वार खोले हैं। हमारे देश में ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है। आप ऐसे प्रोडक्ट्स को #myproductmypride के साथ जरूर शेयर करें। मैं इस विषय पर आने वाले मन की बात में भी चर्चा करूंगा। मम प्रियाः देशवासिनः, अदय अहम् किंचित चर्चा संस्कृत भाषायाम आरभे। आप सोच रहे होंगे कि मन की बात में अचानक संस्कृत में क्यों बोल रहा हूं। इसकी वजह है आज संस्कृत से जुड़ा एक खास अवसर। आज 30 जून को आकाशवाणी का संस्कृत बुलेटिन अपने प्रसारण के 50 साल पूरे कर रहा है। 50 वर्षों से लगातार इस बुलेटिन ने कितने ही लोगों को संस्कृत से जोड़े रखा है। मैं ऑल इंडिया रेडियो परिवार को बधाई देता हूं। साथियों, संस्कृत की प्राचीन भारतीय ज्ञान और विज्ञान की प्रगति में बड़ी भूमिका रही है। आज के समय की मांग है कि हम संस्कृत को सम्मान भी दें और उसे अपने दैनिक जीवन से भी जोड़ें। आजकल ऐसा ही एक प्रयास बेंगलुरु में कई और लोग कर रहे हैं। बेंगलुरु में एक पार्क है, कब्बन पार्क। इस पार्क में यहाँ के लोगों ने एक नई परंपरा शुरू की है। यहाँ हफ्ते में एक दिन हर रविवार बच्चे, युवा और बुजुर्ग आपस में संस्कृत में बात करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ वाद विवाद के कई सेशन भी संस्कृत में ही आयोजित किए जाते हैं। इनकी इस पहल का नाम है संस्कृत वीकेंड। इसकी शुरुआत एक वेबसाइट के जरिए समष्टि गुब्बी जी ने की है। कुछ दिनों पहले ही शुरू हुआ ये प्रयास बेंगलुरु वासियों के बीच देखते ही देखते काफी लोकप्रिय हो गया है। अगर हम सब इस तरह के प्रयास से जुड़े तो हमें विश्व की इतनी प्राचीन और वैज्ञानिक भाषा से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के इस एपिसोड में आपसे जुड़ना बहुत अच्छा रहा। अब ये सिलसिला फिर पहले की तरह चलता रहेगा। अब से एक सप्ताह बाद पवित्र रथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। मेरी कामना है कि महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा सभी देशवासियों पर सदैव बनी रहे। अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो चुकी है और अगले कुछ दिनों में पंढरपुर वारी भी शुरू होने वाली है। मैं इन यात्राओं में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। आगे कच्छी नववर्ष, आषाढ़ी बीज का त्योहार भी है। इन सभी पर्व त्योहारों के लिए भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि पॉजिटिविटी से जुड़े जन भागीदारी के ऐसे प्रयासों को आप मेरे साथ अवश्य शेयर करते रहे। मैं अगले महीने आपके साथ फिर से जुड़ने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तब तक आप अपना भी
अपने परिवार का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।